दसवें एपिसोड में हमने बात की थी 10 किताबों के बारे में, 9वें एपिसोड में हमने बात की रस के बारे में, 8वें एपिसोड में हमने बात की इमोशंस के बारे में, और 7वें एपिसोड में जाना एक्टर के 7 क्वालिटीज के बारे में, और इस एपिसोड में यानी 6ठे एपिसोड में हम जानेंगे 6 ऐसे गलतियों के बारे में जो एक्टर जाने अनजाने में करता ही है। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ लिंक ऊपर आ रहा होगा, क्लिक करें, पहले 10वें एपिसोड देखें, फिर वहाँ से सारे एपिसोड देखने के बाद ही एपिसोड देखें। मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के बाद, वहाँ जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं। सी यू। हेलो, मैं हैप्पी रणजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान यानी गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखे के 6ठे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे 6 गलतियों के बारे में जो एक्टर्स को कभी नहीं करना चाहिए। पहली गलती है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन सुनते ही कुछ और मत सोचिए, मुझे पूरा सुनिए और समझिए। दरअसल एक्टर्स स्क्रिप्ट मिलते ही उसको मॉड्यूलेशन के साथ पढ़ने लगते हैं, और ये एक घातक गलती है। आपको जब भी स्क्रिप्ट मिले उसे पढ़ें, जिसे हम कहते हैं ड्राई रीडिंग, यानी बिना किसी उतार चढ़ाव के या बिना किसी इमोशन के पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें, बार बार पढ़ें और फिर को एक्टर को सुने और तब तय करें इस डायलॉग को कैसे बोला जाए। यानी मॉड्यूलेशन बहुत बाद का स्टेज है, स्क्रिप्ट मिलने पर मॉड्यूलेशन करके पढ़ना गलत है। दूसरी गलती है मिमिक्री। जी, आप दूसरे एक्टर्स की आवाज निकाल पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर यह एक्टिंग नहीं है, यह मिमिक्री है। वैसे ही कुछ लोग अपने दोस्तों के नकल उतार लेते हैं, या फिर अपने पड़ोसी के, या फिर किसी टीचर के नकल उतार कर सोचते हैं हमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पर यह भी एक्टिंग नहीं है। नकलची और एक्टिंग में अंतर होता है। मिमिक्री को एक्टिंग ना समझें, ये वॉयस पर काम हो सकता है या ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो सकता है, पर यह एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग करते वक्त मिमिक्री से बचें। तीसरी बड़ी गलती है एज प्लेइंग। जी, स्क्रिप्ट पढ़कर कैरेक्टर मिलते ही हम उसका एज तय कर लेते हैं और फिर उस एज के मुताबिक हम एक्टिंग करते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। आप कभी सोच कर देखिएगा आपके आसपास कितने लोग होंगे, आप शायद उनको देखकर उनका एज का अंदाजा ना लगा पाए, तो फिर एक्टिंग करते वक्त यह अप्रोच क्यों रखना है। किसी बड़े एक्टिंग टीचर ने कहा है, एज इज ए साइकोलॉजिकल नंबर, यानी खेलते वक्त इंसान बच्चा बन जाता है, प्यार करते वक्त जवान बन जाता है, और एडवाइस यानी उपदेश देते वक्त वो बड़ा बन जाता है। आप भी सोचिएगा, खेलते वक्त आप बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, प्यार करते वक्त कोई भी आदमी जवान जैसे बिहेव करता है, और वहीं कोई छोटे से छोटा बच्चा भी अगर किसी बच्चे को एडवाइस दे रहा है वो बड़े बूढ़ों की तरह एडवाइस देता है। इस बात पर गौर फरमाइएगा और आप अपने जीवन में कैसे बिहेव करते हैं उसको देखिएगा। एज प्लेइंग से अपने आप को दूर रखें। चौथी गलती है मूड प्लेइंग। ये एक बहुत आम गलती है जिसे नए एक्टर ही नहीं, कई पुराने एक्टर भी इस गलती का शिकार होते हैं। दरअसल किसी भी सीन को मोटे तौर पर समझ लेना, उदाहरण के तौर पर अगर कोई दुख का सीन है, उस सीन के शुरुआत से लेकर अंत तक दुख ही प्ले करना, या फिर खुशी का सीन है तो पहले से लेकर अंत तक
खुश ही रहना ये मूड प्लेइंग है। आप कोई भी एक्टिंग की किताब पढ़ें या किसी भी अच्छे टीचर से बात करें, मूड प्लेइंग को हमेशा से ही खराब एक्टिंग माना गया है। मूड प्लेइंग से हमेशा बचें। इसको बेहतर समझने के लिए आप ज्ञान के 8th एपिसोड को ज़रूर देखें, जिसमें भाव यानी इमोशंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है। अगर नहीं देखा तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, क्लिक करें और अभी देखें, उसके बाद ये एपिसोड कंटिन्यू करें। पांचवी गलती है डिटेलिंग। यूं तो डिटेलिंग किसी भी अच्छे एक्टर की निशानी होती है, फिर मैं इसे गलती क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल हमें कैरेक्टर मिलते ही हम उसके 5W, बचपन, फ्यूचर, पास्ट बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर ये सारे डिटेलिंग आपके एक्टिंग में दिखनी चाहिए। अगर ये सारे डिटेलिंग आपके एक्टिंग में नहीं दिख रही है या फिर आपके एक्टिंग को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो इसे तुरंत बदल दीजिए। इस डिटेलिंग का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपका कैरेक्टर ऑफिस घोड़े पर आता है या बाइक पर आता है या उसके गाड़ी का नंबर फलाना है, अगर ये डिटेलिंग आपके एक्टिंग को अफेक्ट नहीं कर रही तो इस डिटेलिंग को तुरंत बदल दीजिए। इस तरह के डिटेलिंग सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। आखिरी गलती के बारे में जब मैं बोलूंगा तो आप शायद चौंक जाएं। जी, आखिरी गलती है एक्टिंग, यानी एक्टिंग करते वक्त एक्टिंग ना करें। जो भी सिचुएशन है उसे सच्चाई के साथ जिए। जिए से मेरा मतलब है अपने को एक्टर को सुने, अपने आसपास जो घट रहा हो उसे देखें और कैरेक्टर जिस भाव में है उसे महसूस करें। जो भी करें सच्चाई के साथ करें। यह 6th एपिसोड था, इसलिए हमने 6 गलतियों के बारे में बात की। यूं तो गलती कई सारे हो सकते हैं, जैसे वीडियो अच्छे लगने पर भी लाइक ना करना, कंटेंट देखते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब ना करना। आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए ज्ञान। गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखे। कट कर दिया ना भाई। अब क्या बनाएं अगले एपिसोड बताओ यार। एक भाई साहब हमें बोल रहे हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन पर वीडियो बनाएं, बहुत लोग देखेंगे। हाँ, और एक सब्सक्राइबर ने क्या लिखा है, वॉइस एंड स्पीच पर प्लीज वीडियो बनाइए। पर सबसे कॉमेडी की बात पता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वीडियो क्या बनता है, हाउ टू क्राई। इनफैक्ट हॉलीवुड के भी, मतलब बाहर के चैनल्स में भी यही होता है ना, हाउ टू क्राई ऑन क्यू। हाँ, क्यू पे आके ना। बड़ा हंस रहे हो बे, तुम लोगों ने कैमरा बंद किया ना बे। चल रहा है। अच्छा, आप लोग भी अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सॉरी हाँ, आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लीज कमेंट करके बताइए आपको आगे क्या देखना है, और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइबर बढ़ाइए थोड़ा, है ना। पता है ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, पता है ना आप सबको। अरे कहाँ पता है, शेयर तो कर नहीं रहे हो तुम लोग। बंद कर दो भाई, तुम लोग बंद नहीं करोगे, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले पिछला एपिसोड देखने के लिए साइड में क्लिक करें, अगला एपिसोड देखने के लिए नीचे क्लिक करें। चला।